दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे सेल और परचेज की एंट्री करते हैं। अगर आप कोई भी अगर दुकान में कहीं भी दुकान से कुछ भी सामान लेते हो तो आप उसको पेमेंट करते हो, और अदरवाइज़ आप किसी को सामान बेचते हो तो आप उसे रिसिप्ट देते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट कंपनी करेंगे या फिर आप सी भी प्रेस करेंगे तो ये क्रिएट कंपनी में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंटर करना है, तो ये आपको एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर एक कंपनी का नाम दे देते हैं, जैसे एक कंपनी का नाम हो गया। उसके बाद आपको कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपना स्टेट भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड भी सिलेक्ट कर लेना है, और अपना फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस देना चाहते तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप कंट्रोल ए से भी ऑन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इंटर प्रेस करते हुए भी आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हम अभी कंट्रोल ए से ऑन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये ऑन सेलेक्ट हो गया। सबसे पहले आपको कुछ लेजर्स बना लेने हैं। कोई भी एंट्री करते टाइम आपको लेजर्स बनाना जरूरी होता है, क्योंकि लेजर्स के बिना कुछ काम नहीं होता है। क्योंकि आप कोई भी परचेज़ करोगे तो उसका परचेज़ का लेजर बनेगा, सेल करोगे तो सेल का लेजर बनेगा। कोई बंदा को आप अगर सेल कर रहे हो तो उसका लेजर बनेगा, किसी से आप परचेज कर रहे हो तो उसका लेजर बनेगा। तो ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर लेजर बनाने के लिए आपको गेटवे टेली ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, और अकाउंट्स इन्फो में जाना। उसके बाद आपको अकाउंट्स इन्फो में लेजर्स में जाना है। लेजर्स में जाने के बाद यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर क्रिएट कर लेना। जैसे हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। सेल्स अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सेल अकाउंट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कौन सा ग्रुप में आप इसे अंडर कौन सा अंडर ग्रुप रखेंगे, तो यहाँ पर ये भी सेल्स अकाउंट में ही जाएगा। उसके बाद इंटर करते ही आपको ऑन सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर परचेज का भी अकाउंट बना लेते हैं। परचेज का यहाँ पर परचेज में ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और जैसे आप कोई भी बंदा को बेचते हो या फिर आप कहीं से भी अब सामान ले रहे हो तो उसका भी लेजर्स यहाँ बनाना ज़रूरी है। तो अगर कोई भी बंदा, अगर आपको एक कन्फ्यूज़न हुआ कि सी आर और डी आर में, तो भाई यहाँ पर जिसके पास भी पैसा जाता है वो डी आर होता है। बस इतना ही आपको फोकस रखना है, जिसके पास पैसा जाएगा वो डी आर हो जाएगा, जो पैसा देगा वो सी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किसी का भी नाम ले लेते हैं, और यहाँ पर सी आर और डी आर मैंसन करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमको पता चलेगा कि कौन सा बंदा सी आर है, कौन सा डी आर है। तो यहाँ पर हम सी आर कर दिए, और ये भी आपको सैलरी क्रेडिटर में ही आपको अंडर ग्रुप में रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक और नाम ले लेते हैं, जिससे हम सामान बेचेंगे या फिर खरीदेंगे, जैसे मोहन ले लेते हैं। उसके बाद इस बंदे को हम डी आर कर देते हैं। ये आपका डेबिटर में जाएगा, संडी डेबिटर में। इसे को भी आपको ऑल एक्सेप्ट कर लेना है, और ये लेजर्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर लेजर्स मैंने बना लिया। अगर आपको लेजर्स देखना है तो यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे, और ये यहाँ पर कुछ लेजर्स बना हुआ है। आपको यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस का लेजर नहीं बना हुआ बनाना पड़ता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक आउट ऑफ डिफ़ॉल्ट ये बना हुआ रहता है। प्रॉफिट लॉस का लेजर नहीं बनाना पड़ता है। अगर बाई चांस अगर लेजर में आपको कुछ चेंजेस करना है या फिर कुछ गलती हो गई, तो आप अल्टर से यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मोहन डी आर है, तो मोहन की जगह आप कुछ और नाम देना चाहते थे तो उसका भी नाम आप दे सकते हो। जैसे हम यहाँ पर लिखे थे के ए आर एन करण डी आर। यहाँ से आप इस तरीके से लेजर्स में एडिट कर सकते हो, और डिलीट भी यहीं से कर सकते हो। आप अल्ट डी करेंगे तो ये डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप इंटर करते तो ये डिलीट हो जाता है, लेकिन हमको डिलीट नहीं करना है तो इसको हम बैक कर लेते हैं। तो ये नाम तो चेंज नहीं हुआ क्योंकि हम इसको बैक कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ से बैक कर लेते हो, यहीं से आपका डिलीट होगा और आपका लेजर्स एडिट होगा। तो यहाँ पर हो गया, लेजर्स का काम तो हो गया। अब आपको एंट्री करना है, तो एंट्री करते टाइम आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको शॉर्टकट कीज़ याद कर लेना। शॉर्टकट कीज़ आपका राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, आपके स्क्रीन में या फिर यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले कोई भी अगर बंदा अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले परचेज़ करता है। परचेज़ करने के लिए आपको F9 का बटन यूज़ करना है, और यहाँ पर ये सप्लाइज इन्वॉइस नंबर है, तो ये बिल में इन्वॉइस नंबर रहता है। इसको आप फिल नहीं करोगे फिर भी चलेगा, और डेट भी मेंशन नहीं करना है तो नहीं कीजिए। बट यहाँ पर आप किस बंदे से ले रहे हो, जैसे हम कोई भी सामान ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो उस बंदे का हम नाम देंगे। ये मोहन से हम उधार सामान ले रहे हैं,
इसको ऑल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आप परचेज़ कर रहे हो तो ये परचेज़ अकाउंट में ही जाएगा। यहाँ पर जैसे हम 10,000 का सामान उधार लेते हैं, ये अभी हम उधार ले रहे हैं, अभी हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी हम किस मोहन को हम पैसा नहीं दे रहे, पेमेंट हम परचेज़ करने के बाद हम पेमेंट करेंगे। तो आपको यहाँ ऑल सेलेक्ट कर देना है। अब हम ये मेरे पास सामान आ गया, 10,000 का सामान है, तो आप हम इसको पेमेंट भी करना है। पेमेंट करने के लिए आपको F5 यूज़ करना है। F5 यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप कैश पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक कैश ले लेगा। तो किसको पेमेंट करना है हमको, हमको मोहन को पेमेंट करना है। मोहन का कितना रुपया बाकी था, 1,000, मैंने मतलब 10,000। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्रीन में 10,000 रुपया हमको पेमेंट करना है। तो मोहन को अभी हम 9,000 रुपया दे देते हैं, तो यहाँ पर 1,000 रुपया बाकी रहेगा। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 1,000 रुपया लेफ्ट, 1,000 रुपया बच जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 9,000 रुपया पेमेंट हो गया और 1,000 रुपया बचा हुआ है। तो 1,000 रुपया हमको और भी देना है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ सामान तो ख़रीद लिया, अब इसको सेल करना है। सेल करने के लिए आपको F8 बटन का यूज़ करना है। यहाँ पर इन दोनों को आपको फिल कर देना। अब यहाँ भी हम कोई भी सामान उधार बाई चांस बेचते हैं तो यहाँ पर नाम में बेचेंगे, अदरवाइज आप कैश बेचते हैं तो यहाँ पर कैश में ही रहने देंगे। तो हम अभी उधार बेच रहे राम सीआर को, तो कोई भी बंदा हम उसे उसको हम बेच रहे तो वो हमको पैसा देगा, तो हम DR हो जाएंगे और वो राम है वो CR हो जाएगा, क्योंकि राम खरीद रहा है। तो इसको हम बेचते हैं, ये आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना इंटर प्रेस करके, और यहाँ पर ये सेल्स अकाउंट में ही चला जाएगा। यहाँ पर जैसे हम इसको 5,000 का कोई भी सामान बेच देते हैं, उधार बेचें, ये अभी पैसा नहीं दिया, इसको अभी पैसा नहीं, ये अभी हमको पैसा नहीं दिया है। तो इसे पैसे लेने के लिए आपको रिसिप्ट करना पड़ेगा। रिसिप्ट के लिए आपको F6 बटन यूज़ करना है। तो रिसिप्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कैश देगा तो ऑटोमेटिक कैश सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर किसको हम भेजे थे तो राम सीआर को हम उधार सामान बेचे थे, उधार सामान बेचे थे वो भी कितना का, 5,000 का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन में 5,000 रुपया अभी वो राम आपको देगा। तो 5,000 में मान लीजिए ये आपको 4,000 ही पेमेंट करता है, तो ऑटोमेटिक ये 1,000 रुपया बाकी रह जाएगा। यहाँ पर आपको रेड कलर का करंट बैलेंस इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम इसमें पैसा लगाए भी नहीं थे और ये परचेज कर लिए थे। मेरा ये बैलेंस जो है वो अभी लेफ्ट में है, मतलब मेरे पास बैलेंस नहीं था फिर भी हम कोई भी सामान खरीद लिए, इसलिए ये रेड कलर का दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप कंटिन्यू इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब बाई चांस एंट्री आपको देखना है, एंट्री देखने के लिए आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद आपको डबल डी प्रेस करना है, ये शॉर्टकट चीज़ है। डबल डी प्रेस करेंगे डिस्प्ले मेन्यू, फिर डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे डे बुक में। आप जितना भी लेन देन किए हैं, जितना भी आप खरीदे हैं, बेचे हैं, सेल किए हैं, परचेज किए हैं, रिसिप्ट किए हैं, पेमेंट किए, ये सारा एंट्री आपको यहाँ पर डे बुक में दिख जाएगा, आप डबल डी प्रेस करेंगे तो। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। जैसे यहाँ पेमेंट किए हैं तो यहाँ पर दिख रहा है। बैक करने के लिए आपको एस्केप की का यूज़ करना है, फिर यहाँ रिसिप्ट का दिख रहा है, फिर यहाँ सेल्स का दिख रहा है। तो ये जितना भी आप एक दिन में करेंगे लेन देन वो सारा हिस्ट्री यहाँ पर दिख जाएगा।